निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस ढोरा बस स्टैंड की तस्वीरें हैं, जहां पर इनेलो और बीएसपी से जो साझा कैंडिडेट है ब्रिजपाल छप्पर, उन्होंने आज अपने यहाँ पर ढोरा कार्यालय का शुभारम्भ किया है। देख सकते हैं काफ़ी तादाद में उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। और रिबन काट कर ब्रिजपाल छप्पर ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। उससे पहले हवन यज्ञ जो कार्यक्रम था वो भी यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो चलिए देख सकते हैं तस्वीरें, आप देख रहे थे निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला, धन्यवाद। कार्यालय शुभारंभ के बाद ब्रिजपाल के जो समर्थक थे उन्होंने ब्रिजपाल छप्पर को लड्डू में तोला भी है, देख सकते हैं तस्वीरें आप। ऐसे सढ़ोरे के इतिहास में पहली बार एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि जो जनता चुनाव लड़ रही है और इसमें जनता की जीत होगी 100%। एक साइड में चुनाव जा रहा है, निश्चित तौर पे हाथी अब की बार विधानसभा के अंदर पहुंचेगा 100%। इस तरह से आप हल्के का भी दौरा कर रहे हैं तो क्या कुछ रिस्पॉन्स आपको मिला है? जबरदस्त, 36 बरादरी के लोग पूरा मान सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव ना बीजेपी का है ना एक कांग्रेस का है, ये चुनाव चेहरों पे चुनाव है गया। और ये बीजेपी का कैंडिडेट देख लिया, 15 साल सड़ोरे को बर्बाद करके रख दिया, और जो मौजूदा है उसकी हालात तो आपने देख ली, उसने क्या किया क्या नहीं किया ये जनता जवाब दे रही है। जहां भी गांव में जा रहे हैं कैंडिडेट, इनका बहुत भारी विरोध कर रहे हैं लोग। ब्रिजपाल जी, आज आपने यहाँ पर एक टेम्परेरी कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्योंकि चुनावी कार्यालय है और अक्सर हल्के के लोगों की आवाज रहती है कि यहाँ पर चुनावी कार्यालय तो खुल जाते हैं लेकिन परमानेंट स्थायी कोई भी कार्यालय यहाँ पर नहीं खोला जाता, ऐसा क्यों? ऐसा ये चुनावी कार्यालय नहीं, ये हमारा परमानेंट कार्यालय मान के चलो इसको। मतलब ये इलेक्शन के बाद भी आपका कार्यालय यहाँ पर रहेगा? हम तो चुनाव के बाद भी यहीं हैं, पहले भी यहीं थे और आपने देख लिया लगातार। सर, अगर आप विधानसभा में जीत कर जाते हो सबसे पहला काम क्या करोगे सढ़ोरा के लिए? देखो, हमारा सढ़ोरा बिल्कुल पूरी तरह पिछड़ चुका है, इसकी कोई भी आवाज उठाने वाला तक विधायक नहीं बने। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ और ये मैं जनता से भी विश्वास दिलाता हूँ कि सढ़ोरा जिस प्रकार आज पिछड़ गया, रोजगार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से जीरो है, और मैं विधानसभा में पहुंच करके सढ़ोरा को विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से नंबर एक पे लाने का काम करूंगा। तो इस बार आप क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हो सर? जनता के बीच में रोजगार है, विकास है, विकास के ढूंढने से नहीं मिलता, रोजगार बिल्कुल खत्म है। एमएलए जो भी बनता है एक बार वोट ले दोबारा वापिस नहीं रहा यहाँ से, जनता छोटे छोटे कामों के लिए तरसती है। ये भी सरकार कह रही है कि हमने बहुत ही युवाओं को रोजगार दिया, देखने को मिल रहा है हरियाणा के अंदर 7,000 सफाई कर्मचारियों की पोस्ट निकली, लेकिन ये पास बच्चों ने उस पर 46,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसको लेकर क्या आपका? बीजेपी तो वहां झूठी पार्टी है, सड़ोरे में एक भी रोजगार कहीं दियो बता दे मेरे को। सड़ोरा कितना बड़ा शहर है, बर्बाद करके रख दिया।
और धार्मिक है, लेकिन आज तक सड़ोरे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, किसी भी विधायक ने ध्यान नहीं दिया गया। आज गलियां देख लो, हॉस्पिटल देख लो, स्कूल देख लो, क्या हालात बन रही है। हमारा विजन ये है कि हमारी जो जनता है, 36 बरादरी के लोग है, जिस प्रकार कामों के लिए तरसते हैं, मेरे विधायक बनने के बाद किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे पूरी सबके काम होंगे और मिलजुल करके सभी भाईचारे से मिलकर के आगे निकालेंगे।